हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी है सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवन्थ का ज्योग्राफी। क्लास सेवन्थ का एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। आज हमारा एट्थ चैप्टर है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ये हम सीटेट के लिए पूरा कवर कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं सीटेट में, तो ज्योग्राफी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। हम इसको कंप्लीट करेंगे, साथ में हम हिस्ट्री को कर रहे हैं, फिर साथ में पॉलिटी भी कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं करा रही हूँ, आप उसको जरूर से देखिएगा। इसमें हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखेंगे। 25 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट के, जो चैप्टर वाइज आ चुके हैं क्वेश्चंस उसको और जो बन सकते हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि वीडियो कैसा है। तो देखते हैं हम यहाँ से अमेजन बेसिन में जीवन। देखो, ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। याद रखिएगा, भूमध्य रेखीय प्रदेश इस तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से देखेंगे उत्तर के 10 डिग्री, मान लीजिए उत्तर का ये 10 डिग्री उत्तर साइड है ना हमारा, ये नॉर्थ साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश बोलेंगे और इधर से दक्षिण से भी 10 डिग्री दक्षिण के भाग को भी हम भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अब और इस टाइम इधर पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर बहती है, अमेजन नदी जो है यहीं से बहती है, कहाँ से, भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर, ये याद रखिएगा। ध्यान दें कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में ये कैसे पहुँचती हैं। जिस स्थान पर कोई नदी अन्य किसी जल राशि में मिलती है उस नदी का उसे मुहावना कहते हैं। देखो, आपसे ये भी पूछ सकता है कि मुहाना किसको कहते हैं, तो मतलब जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे मान लीजिए बे ऑफ बंगाल है और यहाँ से जो आ रहा है गंगा नदी यहाँ आके मिलती है, तो इसको क्या बोलेंगे, मुहाना बोलेंगे। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। देखो, हेल्पिंग रिवर तो होती है, जैसे कि हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी की यमुना नदी, बहुत सारी नदियाँ जो हैं सहायक नदियाँ हैं, तो इसी तरह अमेजन नदी जो है उसकी बहुत सारी नदियाँ जो है मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भाग, पेरू के कुछ भाग, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवाहित होती, मतलब कि बहती रहती है। याद रखिएगा, कहाँ कहाँ पे, पेरू के कुछ भाग में, ब्राजील के भाग में, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे से भाग में ये बहती रहती हैं। क्या आप मतलब इन बेसिन में स्थित उन देशों का नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब स्पेस के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासी ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं का आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम क्या पड़ा, अमेजन पड़ा। ये याद रखिएगा, इसका नाम कैसे पड़ा, इसी तरह। अब जलवायु देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। कहाँ फैला है, अभी हमने देखा था, भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है अमेजन बेसिन। पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु होती है। देखो, पूरे वर्ष यहाँ पे गर्म एवं नम जलवायु होती है। यहाँ का मौसम दिन व रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है दोनों टाइम पे, तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। देखो, अभी भी कितनी गर्मियों में हम लोग को चिपचिपाहट टाइप की लगती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, यहाँ पे प्रतिदिन वर्षा होती है, और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, मतलब कोई चेतावनी नहीं, ना बादल गरजना, ना कुछ, अचानक से बारिश हो जाएगी। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। याद रखिएगा, दिन का जो तापमान है उच्च और आर्द्रता इससे भी ज्यादा उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, रात के टाइम पे क्या होता है, तापमान जो है वो कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, आर्द्रता जो रहती है उसी टाइम पे वैसी की वैसी बनी रहती है। वर्षा वन देखते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि संघनन वन उग जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा अगर बारिश होगा तो बहुत ज़्यादा चीज़ उगने लगती है, जैसे पेड़ पौधे, और बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। यह इतने संघनन होती है कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, मतलब इतना ज़्यादा घना होता है, जैसे पत्ती पत्ती से ऐसा लगता है कि ये छत बन गया है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। इसी के कारण जो है सूर्य का प्रकाश जो है जमीन तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ की जो भूमि है प्रकाश रहित, मतलब कि प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता, और यहाँ पे नम, मतलब हमेशा ठंडा ठंडा टाइप का बना रहता है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती हैं। देखो, यहाँ पे जो वही वनस्पति पनप सकती हैं जिसमें छाया बढ़ने में मतलब क्षमता हो, जो मतलब कि छाया बढ़ाने में क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्कटिक ब्रोमीलाइट पैदा होते हैं। परजीवी पौधों के रूप में कौन कौन, आर्कटिक और ब्रोमीलाइट पैदा होते हैं, इसका भी याद रखिएगा। ब्रोमीलाइट क्या है, ब्रोमीलाइट एक विशेष प्रकार का पौधा जो अपनी पत्तियों को जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल को पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं।
वर्षावन, वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती, टुक्कन गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी, वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले समान पक्षियों से भिन्न है। ये सब पक्षियाँ जो है हमारे भारत में जो पक्षियाँ पाई जाती हैं उनसे भिन्न है। यहाँ पाए जाते हैं मतलब ये यहाँ पे पाए जाते हैं प्राणियों में बंदर हो गया, स्लॉथ हो गया, आपने एवियस पे पढ़ा होगा जरूर से, जो 18 घंटा सोता रहता है, सिर्फ 8 पेड़ होते हैं कि 4 पेड़ उसी पे सिर्फ इधर उधर कूदता रहता है, सिर्फ शौच के लिए नीचे आता है, और ये भी देता है ना कि ये बंदर भालू के जैसे दिखता है लेकिन भालू नहीं है, ये स्लॉथ है। चीटी खाने वाले टैपियर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बुआ की कुछ ऐसी प्रजातियाँ भी यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त हजारे कीड़े मकौड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरानिया, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, ये याद रखिएगा। वर्षा वन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र वन के कुछ क्षेत्र वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। देखो यहाँ के लोग जो हैं मतलब छोटे छोटे क्षेत्र के वन को कुछ वृक्षों को काट देते हैं और भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, याद रखिएगा। यहाँ के जो पुरुष हैं क्या करते हैं, शिकार करते हैं और नदी में क्या करते हैं, ये मछली पकड़ते हैं। महिलाएँ फसलों का ध्यान रखती हैं, महिलाएँ क्या करती हैं, फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियो का अनानास और शकरकंद उगाते हैं। वो किसको उगाते हैं, टेपियो का अनानास और शकरकंद को, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती हैं। देखो कर्तन वाला आप समझ लीजिए इसी लागे, कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि को साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है जिसमें पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। इनका मुख्य आहार जो है मेनियोक है, जिसे कशावा भी कहते हैं, याद रखिएगा। इनका जो मुख्य आहार क्या है, मेनियोक है, जिसको क्या बोलते हैं, कशावा कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है, ये आलू की तरह क्या होता है, जमीन के अंदर पैदा होता है, जो मेनियोक है, जिनको कशावा भी कहते हैं। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं, ये क्या करते हैं, चींटियों की रानी को और अंडकोश को भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है, जैसे कॉफ़ी हो गया, मक्का और कोको जैसी जो फसलें हो गई ये भी यहाँ पे उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। देखो जब बहुत ज़्यादा अत्यधिक वर्षा होता है तो पेड़ पौधे तो उगेंगे, लकड़ी इनको आराम से मतलब मिल जाता है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट में, जैसे बहुत सब अपार्टमेंट में रहते हैं तो इनका अपार्टमेंट क्या है, मलोका जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। और कुछ लोग मधुमक्खी के छत के आकार वाले छप्पर में भी रहते हैं, मतलब उस तरह के छप्पर बना के रहते हैं। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। देखो अमेजन बेसिन के जो लोग हैं उनका जीवन जो है धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि डेवलप होता जा रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, उस टाइम पे सिर्फ नदी का ही एक मार्ग था जिससे वन के अंदर ये जा सकती थी। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुँचना संभव हो गया। कब, 1970 में जो ट्रांस अमेजन महामार्ग बना है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा। वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। वो कैसे करते हैं खेती, अपने पौराणिक तरीके से। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत जो है बह जाती है, उसके बाद वो जो भूमि होता है, संघनन वन जो होता है, बंजर भूमि में बदल जाता है। बंजर भूमि में कुछ उगता भी नहीं है। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में देखते हैं जीवन यहाँ के बारे में। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं, याद रखिएगा। यह बेसिन उपोष्ण के 10 डिग्री, देखो 10 डिग्री कौन से साइड में, उत्तर, याद रखिएगा, नॉर्थ साइड, और 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है, 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदी, देखो आपको गंगा की सहायक नदी याद रखना पड़ेगा, घाघरा हो गई, सोन हो गई, चंबल हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, और ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। कोसी को जो बिहार का सोग भी कहा जाता है, कोसी नदी को। ब्रह्मपुत्र, याद रखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी इसमें अपवाहित होती है, मतलब ब्रह्मपुत्र की भी सहायक नदियां जो होती हैं इसमें बहती हैं, जैसे सांगपो वगैरह हो गए ना, सांगपो, दिहांग, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, याद रखिएगा।
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वतों एवं हिमालय के गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं, इन मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। कहाँ पे है आपको पता है? जो है कोलकाता में। बेसिन क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग मतलब रहते हैं। कहाँ पे? पर्वतीय क्षेत्रों में। बाकी जहाँ पे मैदानी इलाका है बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। जैसे उत्तर प्रदेश में देखिए कितना जनसंख्या है हमारे, क्योंकि यहाँ पे मैदानी भाग है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध हो वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि होता है। क्या होता है? कृषि। धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत। देखो धान की खेती के लिए तो हर टाइम पे जून जुलाई में लगाया जाता है क्योंकि पानी तो चाहिए होता है। यहाँ उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। किसमें? वेदिकाओं में फसल जो है वो उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में बने घास के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैग्रोव वन से घिरा है। डेल्टा क्षेत्र क्या है? मैग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश का की ठंडी जलवायु तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग इनके बारे में, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे मान लो ये बॉक्स समझ लो, इसके बीच में जितना लोग रहते हैं वही जनसंख्या घनत्व होता है। जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है और वहीं बिहार का 1002 है। इस तरह से याद रखिएगा। बेसिन में देखो, बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि समान रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र देखो, डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रमुख आहार है, ये याद रखिएगा। देखिए एक चीज़ इसको भी हम देख लेते हैं, झील जीविका का साधन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोहन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथ मछुआरे रविंद्र किशोर, अपने मतलब जो सारे दोस्त हैं उनको ले लिया। अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार, वेलिनियार, हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसल को बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग किया जाता है। वहाँ लोग बहुत संतुष्ट हैं, मतलब वहाँ नदी वगैरह से। एक चीज़ और याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अलवर जल में एक प्रकार के डॉल्फिन पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो अलवर जल है, जो मतलब कि जो जिसमें लवण यानी नमक नहीं, जो पीने लायक है, उसमें स्थानीय भाषा में जिसको हम बोलते हैं सूसू, लेकिन उसका नाम क्या है? डॉल्फिन, ये पाई जाती है। और स्थानीय भाषा में इसको सूसू बोलते हैं, तो अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारिता औद्योगिक और शहरी मतलब गंदगी की वजह से इन प्रजातियाँ नष्ट होती जा रही। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ये देखिए इनके बाद प्रदूषित, देखो वो जो था लड़का वो झील को साफ उप किया, बाकी लोग इसको प्रदूषित कर देते तो मछलियाँ वगैरह भी मरने लगती हैं। देखो सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने पर और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारम्भ किया था।
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में कई बड़े शहर के कस्बे स्थित है, जैसे हमारा इलाहाबाद हो गया। हमारे इलाहाबाद में देखिए कितना ज़्यादा जनसंख्या है, कानपुर हो गया, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी जो है दिन पे दिन प्रदूषित होती जा रही है। बेसिन में यातायात सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में यातायात के चार मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित है, ये भी याद रखिएगा। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को भी शुरू किया गया था। पर्यटन, देखो पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल लोग देखने आते हैं और इलाहाबाद में गंगा यमुना एवं नदी, देखो यहाँ पे माना जाता है हमारे इलाहाबाद में गंगा यमुना और सरस्वती का यहाँ पे संगम होता है और यहाँ संगम हर साल कुंभ भी लगता है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति कई दर्शनीय स्थल है। मतलब कि ये पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग आते हैं बाहर बाहर से इसको देख। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाले। क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा है। पहला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश किन रेखाओं के मध्य स्थित है? अभी हमने देखा तो किन रेखाओं के कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित है, इस तरह से हमने देखा था, ठीक है, इस तरह से था, हमने आपको समझा भी दिया था कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमेजन नदी किस प्रदेश से होकर बहती है? तो अमेजन नदी जो है भूमध्य रेखी प्रदेश से होकर गुजरती है, ये भी हमने देखा था। अमेजन नदी बेसिन किस देश में अपवाहित नहीं होती? देखो अभी हमने देखा था किस में होती है, ब्राजील में होती है, बोलिविया में होती है, पेरू में होती है, लेकिन हमने पराग्वे का नाम नहीं देखा था, तो यहाँ पे नहीं, इक्वाडोर में होती, कोलंबिया में, वेनेजुएला में होती है, लेकिन पराग्वे में नहीं होती। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अमेजन बेसिन में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ठंडी एवं नम। अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्कटिक और ब्रोमिलायड नामक एक परजीवी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? ये भी हमने देखा अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, टकन क्या है? टकन जो है एक पक्षी है, टकन क्या है? पक्षी है, गुंजन भी पक्षी है, रंगीन भी पक्षी है। अगला है, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपियर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बेसिन में, पाए जाते हैं अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। स्लॉथ वही है जो हमेशा सोता रहता है, 18 घंटे सोता है, इनकी ज़िंदगी बहुत सही है। अगला है, पिरानिया मछलियाँ कहाँ पाई जाती हैं? पिरानिया मछली जो है ये अमेजन नदी में पाई जाती हैं। पिरानिया मछली मांस खाने वाली मछली होती है, ये भी हमने देखा अभी। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो ये अमेजन बेसिन में किया जाता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो मैनियाक कहाँ का? अमेजन का है, मैनियाक जो है प्रमुख भोजन है, इसको कशावा भी कहते हैं और ये आलू की तरह जमीन में उगता है। अगला है, मलोक किसे कहते हैं? मलोक बड़े अपार्टमेंट वाले घर को बोलते हैं, बड़े अपार्टमेंट वाले घर को मलोक बोलते हैं। अगला है, ट्रांस अमेजन महामार्ग कब बना था? अभी हमने देखा 1970 में बना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? तो ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चाय के बागान कहाँ मिलते हैं? तो चाय के बागान जो है ये असम तथा पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, सागवान, साखू एवं पीपल के वृक्ष किस नदी में पाए जाते हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी में। अगला है, देवदार एवं फर किस प्रकार के हैं? तो ये कौन से प्रकार के? शंकुधारी वृक्ष हैं, शंकुधारी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? बंगाल टाइगर कहाँ पे मिलते हैं? तो डेल्टाई क्षेत्र में, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, डॉल्फिन पाई जाती हैं कहाँ पे? पाई जाती हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा नदी में, और वो भी उनके अलवर जल में, जिसमें लवड़ी जल नहीं होती, इसको सूसू मछली भी बोलते हैं, यानी अंधी डॉल्फिन। अगला, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? अभी हमने देखा था 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। अगला है, गंगा के किनारे स्थित प्रमुख शहर, अभी हमने देखा कौन कौन सा शहर था, सबसे पहले इलाहाबाद जो है, फिर कानपुर, वाराणसी, पटना, ये सब गंगा के किनारे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? कोलकाता पतन कौन सी नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि एक सींग वाले गैंडा यहीं पर पाए जाते हैं, गैंडा जो होते हैं। अगला, इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो इमामबाड़ा लखनऊ में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है।
अगला है, गंगा नदी संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो नमामि गंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, नमामि गंगे। तो हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है और वीडियो भी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको SST का नोट्स लेना है तो आप ज़रूर से कमेंट पे मैसेज करिएगा। SST के नोट्स की प्राइस 21 रुपये है, उसमें साथ में SST पेडागॉजी भी है। तो वीडियो को कंटिन्यू आप ज़रूर से देखिएगा। थैंक यू।